हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक। आरबीआई ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लाई है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। जितने भी आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन आपके होते हैं, रिकरिंग ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, वो अब 1 अप्रैल 2021 से स्टॉप हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपको बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन भी रिसीव हो रहा होगा इस तरीके का। आपसे किसी व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी भेजा है, इस तरह का ICICI बैंक की तरफ से उनको नोटिफिकेशन आया, डियर कस्टमर एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस रिकरिंग मर्चेंट ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऐसा ही कहते हैं, और ICICI बैंक कार्ड विल बी डिसेबल। 1 अप्रैल से ये डिसेबल हो जाएगा जितने भी आपके ऑटो डेबिट कार्ड के थ्रू होते थे। आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फिर से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और आपको खुद से ही पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑटो डेबिट में जितने भी आप यूटिलिटी बिल में से बिजली बिल आपका आता है हर महीने खुद पर खुद कट जाता है, जैसे ऑटो डेबिट ऑन करके रखा होगा, या फिर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे हॉटस्टार हो गया, या फिर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या ट्रू कॉलर में सब्सक्रिप्शन होता है वो आप लेते हैं, तो एक्चुअली होता है कि आप एक बार ले लेते हैं तो हर महीने अपने आप वो ऑटोमेटिकली कार्ड के थ्रू कटते रहता है। आप जब चाहेंगे तभी आपको स्टॉप होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कट जाती है। वैसे बिल पेमेंट में भी होता है, आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह का बहुत लोग ऑटो डेबिट ऑन करके रखते हैं। जितने भी ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन्स कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, वो डिसेबल हो जाएंगे बैंक की तरफ से। सभी बैंकों को नोटिफिकेशन भी इस तरह का भेजा गया। तो RBI की गाइडलाइंस आई है इसके रिगार्डिंग, उस चीज़ों को देखेंगे RBI की गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें कही गई है और क्या नोटिफिकेशन दिया गया बैंक्स को, और जो सर्विस प्रोवाइडर मर्चेंट है उनको क्या चीज़ें फॉलो कर रही है, तो डिटेल में इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। RBI ने अपने गाइडलाइंस में 4-5 चीज़ें बताई है जो बैंक्स को और सर्विस प्रोवाइडर जो मर्चेंट्स हैं, हॉटस्टार हो गया आपका, अमेजोन प्राइम हो गया, उनको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो पहला चीज़ यहाँ पर RBI ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि जितने भी ऑटो डेबिट होते थे, जैसे कि आप हॉटस्टार का प्रीमियम लेके रखा था, या फिर यहाँ पर नेटफ्लिक्स का, अमेजोन प्राइम का, जो मंथली बेसिस पर चीज़ें कटती है, सब्सक्रिप्शन एक बार ले लेते हैं, कार्ड डिटेल फिलअप करें, ऑटोमेटिकली वो कटती है। तो अब क्या है, गाइडलाइंस में कहा गया है इन चीज़ों का नोटिफिकेशन 24 आवर पहले या 48 आवर पहले यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को, कस्टमर्स को देना होगा। मीन्स यहाँ पर जब भी आपका ऑटो डेबिट होने वाला होगा, मीन्स आपका 1 तारीख को हर मंथ यानी सब्सक्रिप्शन का पैसा कटना है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है कस्टमर्स को देना है, यहाँ पर प्रोवाइड करना है SMS के थ्रू कि आपका जो पैसा इन चीज़ों के लिए कट रहा है इतने टाइम में, इतने डेट को, और इस बैंक से ये पैसा कटेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर RBI ने कहा है कि एक प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन जो पहले आएगा उसमें एक फैसिलिटीज़ और ऐड करनी है कि यहाँ पर एक ऑप्ट आउट का फैसिलिटीज़ देना है। मीन्स आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन मिल गया, अब ये सब्सक्रिप्शन मुझे यहाँ पर नहीं लेना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो वहाँ पर उस नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन होना चाहिए कि यहाँ पर उन चीज़ों को कैंसिल भी किया जा सके, सिर्फ नोटिफिकेशन ही ना रहे, उसमें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए कि आगे आपको सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। आपको नहीं रखना है तो ऑप्ट आउट का फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बैंक्स जो है प्रोवाइड करें कस्टमर्स को 24 आवर पहले नोटिफिकेशन में, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ RBI ने यहाँ पर कहा है, देर हैज़ टू बी वैलिडिटी पीरियड फॉर द ई मैंडेट। जितने भी ई मैंडेट है जो आपके ऑटो डेबिट होने वाले हैं उसका एक वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए। मीन यहाँ पर जब कस्टमर जब सब्सक्रिप्शन ले रहा हो रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वहाँ पर एक डेट फिक्स कर दिया जाए कि हाँ इतने दिनों के लिए टाइम पीरियड दिया जाए कि आप 6 मंथ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एक्चुअली होता है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लगा देते हैं ऑटो डेबिट, तो हर मंथ वो कंटिन्यू कटते रहता है, कब तक कटेगा इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं हो, जब तक आप उसे अनसब्सक्राइब ना कर दें तब तक वो कटते रहता है। लेकिन अब क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कस्टमर यहाँ 3 मंथ्स 2 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स तक ये चीज़ें ले सकते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन का टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि ऑटो डेबिट कब तक कितने मंथ तक होना चाहिए। तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए RBI ने अपने गाइडलाइंस में कहा है। चौथी चीज़ें कही है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द कार्ड होल्डर शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू प्रोवाइड ई मैंडेट आइदर प्री स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू, रिकरिंग ट्रांजेक्शन और वेरिएबल वैल्यूज। यहाँ पर एक चीज़ें और अच्छी चीज़ यहाँ पर चौथे पॉइंट में कही RBI ने कि यहाँ पर ई मैंडेट जितने भी ऑटो डेबिट होते हैं तो एक वेरिएबल्स अमाउंट भी ऑप्शन देना चाहिए। जैसे कि आपके हम बिल पेमेंट की बात करें, मोबाइल रिचार्ज आप 199 का करते हैं तो ये तो फिक्स है, या सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं अमेजोन प्राइम का 199 या 499 जो भी है, नेटफ्लिक्स का, किसी का भी जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट फिक्स होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो अमाउंट फिक्स है, वो हर मंथ उतने कटने आपको पता है। लेकिन कुछ चीज़ों में होता है ये वेरिएबल होता है, कि जैसे आपका यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की बात करें, पोस्टपेड बिल पेमेंट की बात करें, बिजली बिल आपका कभी 500 आएगा, कभी 1000 आएगा, कभी 2000 आएगा, तो ये फिक्स होता नहीं है, ये वेरिएबल होता रहता है। तो ये चीज़ें RBI ने कहा चौथे पॉइंट में, एक वेरिएबल अमाउंट फिक्स करने का भी यहाँ पर ऑटो डेबिट में ऑप्शन दिया जाए रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, कि आप यानी कि आपको पता है कि बिजली बिल मेरा है 2000 से 4000 के बीच में आता है, तो ये अमाउंट आप सेट कर सकते हैं 2000 से 4000 के बीच में आएगा तभी मेरे अकाउंट से, मेरे कार्ड से ये पेमेंट कटे, अगर इससे ज़्यादा आता है या फिर तो ये अमाउंट ना कटे, या फिर यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स हो जाए कि 499 ही मेरे डेबिट कार्ड से कटने चाहिए। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर RBI ने कहा है कि इन चीज़ों को कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए।
पांचवी चीज यहाँ पर आरबीआई ने गाइडलाइंस में कही, जैसे कार्ड होल्डर हु वांट्स टू ऑप्ट फॉर ई मैंडेट फैसिलिटी, जो भी कार्ड में ई मैंडेट ऑटो डेबिट के फैसिलिटीज लेना चाहते हैं तो उनको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, उसमें एक एएफए लगाना होगा, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये क्या है कि एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अगर कोई भी इश्यूअर कार्ड जो कस्टमर्स हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ई मैंडेट के लिए, ऑटो डेबिट के लिए, तो वहां पर उनको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह है, कोई कार्ड नंबर किसी का मिल गया तो वो ई मैंडेट लगा दिया तो हर महीने उस कार्ड से पैसे कट रहे हैं, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर एक ओटीपी जाए, वेरिफिकेशन हो कि हाँ वो जो आदमी इस कार्ड का नंबर फिल कर रहा है उसी आदमी ने इसे ऑटो डेबिट लगाया है, इसलिए ये सिस्टम लाया गया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको वेरिफिकेशन का, एएफएस लगाया जाएगा, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, कार्ड नंबर डालने के बाद ओटीपी वगैरह आएगा तब ये ई मैंडेट कन्फर्म हो पाएगा, तब ये मंथली वाइज ये चीज़ें काम करेगी। छठी चीज़ यहाँ पर सिक्स नंबर में गाइडलाइंस में कहा है कि द इश्यूअर विल हैव टू प्रोवाइड द कार्ड होल्डर एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज टू विदड्रॉ ई मैंडेट एनी टाइम ऑफ पॉइंट। मीन्स यहाँ पर एक चीज़ें और अच्छी चीज़ें यहाँ पर गाइडलाइंस में कहेगी कि कस्टमर को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि यहाँ पर किसी भी टाइम आप सब्सक्रिप्शन को वापस ले सकते हैं, जब भी आपका मन करे यहाँ पर एक ऑप्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए कि किसी भी टाइम आप सब्सक्रिप्शन को खत्म करना चाहते हैं, अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हो जाए। जैसे आपने अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपने सोचा कि अब हम मुझे हटाना है, तो आप किसी भी टाइम इसे डिलीट कर सकते हैं, आगे से वो मैंडेट कंटिन्यू ना रहे, यहाँ पर ऑटो डेबिट ना हो, तो इसे भी आप बंद कर सकते हैं। और एक एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन जोड़ा गया कि 5000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अगर होगा, अगर ये ऑटो डेबिट 5000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ओटीपी का भी यहाँ पर प्रोसेस लाया गया है कि कस्टमर्स के मोबाइल पर ओटीपी आएगा तभी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगा। पहले ये 2000 के लिए था लेकिन इसे अब बढ़ाकर 5000 कर दिया गया कि अब कस्टमर का ऑटो डेबिट अगर होने वाला है, नोटिफिकेशन वगैरह तो मिलेगा जैसे मिलता है, उसके बाद भी जब ऑटो डेबिट होगा 5000 से ऊपर का बिल रहेगा ऑटो डेबिट में, तो आप कस्टमर्स को यहाँ पर ओटीपी एक एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा, ओटीपी आप डालेंगे तब वो ऑटो डेबिट हो पाएगा, नहीं तो ट्रांजेक्शन आपका रुका रहेगा। तो ये चीज़ें गाइडलाइंस में यहाँ पर आरबीआई ने कहा है बैंक्स को, और यहाँ पर जितने भी मर्चेंट हैं सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हॉटस्टार हो गया, आपका जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, या फिर बिल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं कार्ड के थ्रू, तो ये चीज़ें उन पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये एप्लीकेबल होने वाला था 1 अप्रैल 2021 से, जैसा कि न्यूज़ आर्टिकल में आपने चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाए, इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर जितने भी मर्चेंट थे रेडी नहीं थे। बैंक्स ने नोटिफिकेशन तो सभी को भेज दिया था लेकिन मर्चेंट यहाँ पर रेडी नहीं था इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आरबीआई ने यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया, 30 सितंबर तक का टाइम 6 मंथ्स बढ़ा दिया यहाँ पर, तो 30 सितंबर से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी, ये चीज़ें लागू हो जाएगी, यानी कि इन जो गाइडलाइंस आरबीआई ने बनाई है उसे यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होगा कस्टमर को, इन चीज़ों को जो जो गाइडलाइंस यहाँ पर आरबीआई ने दी है। तो अब यहाँ पर सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये चीज़ें नेट बैंकिंग में जो आपने ई मैंडेट लगा कर ऑटो डेबिट लगा कर उस पर भी एप्लीकेबल होगा? तो नहीं, यहाँ पर सिर्फ कार्ड पेमेंट्स के लिए चीज़ें कही गई है, जितने भी कार्ड पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से होते थे ई मैंडेट ऑटो डेबिट, उसमें ये चीज़ें एप्लीकेबल अभी की गई है। यहाँ पर नेट बैंकिंग से जैसे भी आपका बिल पेमेंट वगैरह हो रहा था वो चीज़ें होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, या फिर ईएमआईज कटता था जो भी है SI स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू जितने भी चीज़ें होती थी वो होगी, सिर्फ कार्ड पेमेंट में ये चीज़ें एप्लीकेबल हो। तो यही था आरबीआई का गाइडलाइंस कार्ड पेमेंट्स को लेकर। आप लोग इस गाइडलाइंस के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी और बेल आइकन को भी दबा लें, आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।